इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और ये कश्मीर के चंद गिने चुने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स में शामिल होता है। ये मकामी लोगों के मुताबिक साबिक कैबिनेट मिनिस्टर और लोकल एमएलए सईद बशारत बुखारी की काविशों का महसिल है। इस फिल्ट्रेशन प्लांट के करीरी सब डिवीजन को लगभग 40 देहात को पीने का साफ पानी सप्लाई होता है। ताहम अब महकमे के अफसरान की लापरवाही इस नेशनल एसेट को बर्बाद करने के मुर्तकिब हो रहे हैं और बदनसीबी से उनकी कोताहियों का कहीं पर भी पुरसानी हाल नजर नहीं आ रहा है। पिछले दो हफ्तों से इस प्लांट की बिजली सप्लाई कट हो रखी है, जिससे फिल्ट्रेशन का अमल मुतासर होना लाजमी अमर है। प्लांट पर तैनात मुलाजिम और उनके अफसर मुद साथ स्टेटमेंट्स देकर सूरत हाल मजीद को मदखोश करने के साथ साथ अवाम को गुमराह करने के लिए कई ना कई मुर्तकिब हो रहे हैं। जहां प्लांट्स के मुलाजिम पिछले 15 दिनों से फिल्ट्रेशन का अमल में रुकावट होने को तस्लीम करते हैं, वहीं उनके अफसर का तजाद से भरा दावा कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हो ना हो लोगों से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिजली दर्शन पे तो 15 दो बैठन की है अमन अज होन आसे बिजली वाले अमन अज होन ना इंस्पेक्टर साहब से पूरा सर फोन तमन अज तोन फोन सर मज अज तोन फोन तमन अज होन ये आ ये पावर तेम के वजह से दस गोन फिटर की मत अज ओसे जनरेटर स्टील अस दो चोर पूरा जनरेटर चालू तात मगर सर तेल तात तो शुमिकन के टाइम तेल तो मगर पावर की वजह से वन सर रात मोन पावर वन सर पावर जनरेटर तील सर मकान दिक्कत कि पावर पावर थी डिपार्टमेंट चटित अमी बार प्रॉब्लम योर आब व नासाफ दिवान ये टाइम मोर ज्यादा अडल्टी दिवान आबस तो ये प्रॉब्लम ग पूर पे फिल्टर कर जनरेटर तील तम सूर मकसद न कि पावर ताकत पावर सीक आब ग क्लियर यह पे बह दो पोमो पावर सटन ना दवा ब्लीचिंग त्रावान अलम त्रावान मगर आब नान फिल्टर बिकॉज ऑफ पावर। फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा फंक्शनल है, ये डिफंक्ट नहीं है क्योंकि ये चोक नहीं है, हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि बिजली वालों ने बिजली काट दी, उनकी कुछ पेमेंट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ की पेमेंट है। मैंने वहां जाके उनके ऑफिस में, जो मेरा ऑफिस में पुराना रिकॉर्ड है मौजूद टीआर ट्रेजरी रिसीप्ट्स, जिसके तहत हमने उनकी पेमेंट ऑलरेडी कुछ की है। 2017 में वो बिल भेज रहे हैं 22 लाख, उसके अगेंस्ट हम 8 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट साल वो 50 लाख बिल भेज रहे हैं, हम 9 लाख और कर रहे हैं। उसके बाद 98 लाख वो भेज रहे हैं, हम और पेमेंट उनकी टोकन पेमेंट कर रहे हैं। इस बार वो 1 करोड़ 20 लाख भेज रहे हैं, तो हमने इस बार भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरे एजेंट साहब ने उनको 10 लाख रुपये पेमेंट की है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा उनको ये रिकनसाइल हमारे डिपार्टमेंट कैसे कीजिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं आए, मगर जबकि हमारे पास पुराने ट्रेजरी रिसिप्ट्स मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पेमेंट नहीं करें। तो रिसेंटली मैंने उनको कहा कि आप इसमें एक मोटर ये मीटर इंस्टॉल करवाइए ताकि एग्जेजरेशन न हो, जो हमारी बिल है कि एग्जेजरेशन है। हमने कहा कि एज पर मीटर जो बिल आएगी हम पे करेंगे। बेसिकली हमने ये नहीं करवाया ऐलान कि फिल्ट्रेशन प्लांट बैठा है, हमारी 2-3 दिन पहले हमारी लाइन चली गई, यहाँ से स्लफिंग लैंड हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी लाइन चली गई, पानी की डिसरप्शन हुई एक दिन परसों, कल हमने रेस्टोर किया, आज रात को वो फिर से चली गई, तो हम इस वक्त फिर वो रेस्टोर कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन प्लांट की बात नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल है, अलबत्ता हमारी लाइन जो मेन लाइन है वो चली गई। पावर से ही नहीं होता है, जब ये ओवरलोड इसका सिल्ट होता है तब इसको हम बैकवॉश करते हैं, हर रोज इसमें वो पावर मैकेनिज्म से नहीं चलता। फिल्ट्रेशन हो रहा है जनाब,
फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट इज फंक्शनल रोज, तो इसमें बैकवॉश की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, इसमें तो सिर्फ बैकवॉशिंग के लिए आपको बिजली चाहिए? यस 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 यस, उसके बगैर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए बिजली? नहीं, बिजली होती है बैकवॉशिंग के लिए बस, तब हम ऊपर लिफ्ट पानी करते हैं, इस पर इसके टॉप पर बैकवॉशिंग टैंक लगी होती है, तो फिर उससे होता है, तो इसकी ये वॉश करने के लिए हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार पावर की जरूरत पड़ती है। आप ऊपर आइए मेरे पास, मैं बैकवॉश की करूंगा। 15 दिन तो दो हफ्ते हो गए, दो हफ्ते से बैकवॉशिंग हो रही है क्या? सर आपकी एश्योरेंस ऑन कैमरा चाहता हूं लोगों के लिए कि जो पानी अभी सप्लाई हो रहा है वो फिल्टर्ड है। जी सर, वो फिल्टर्ड जी है सर, बिजली हो ना हो वो फिल्टर्ड, वो फिल्टर्ड है, इसमें हम बिजली रेस्टोर करवाएंगे। सेफ फॉर ड्रिंकिंग? यस यस यस, क्योंकि यहां से हमारी प्रॉपर ब्लीचिंग, यू कैन सी अवर मैकेनिज्म, प्रॉपर ब्लीचिंग हो रही है यहां से, ऐसी बात। इधर पीडीटी डिपार्टमेंट भी अचानक पानी से जैसे लाजमी मामले पर सख्त रवैया इख्तियार करके गैर संजीदगी के अमल में बराबर शरीक हो गया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर महासभा करने की जरूरत है। जावेद सोफी के साथ करीरी से अंचिता मिश्रा।